पल पल धड़कते हो, रात को ख्वाबों में छुप के बात करते हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बज चुके 8:15, मैं उठ तो 6 बजे ही गई थी और रात सोने में हो गई थी लेट, क्योंकि भाई को मिला था एक खरगोश जो कि था सड़क पे घायल। ऑफिस जाते वक्त वो लेके आया, उसको डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया और अभी उसकी हम कर रहे हैं देख रेख। उसको काफ़ी चोटें आई हुई है, वो दिखाती है, फिर डॉक्टर संभाल के जाएंगे। मैंने इसके पास आग भी जलाई ताकि ठीक रहे, दवाई भी लगाने की कोशिश की। ये देखो, इसको काफी चोटें आई है बेचारे को, ये देखो। हाँ, तो डॉक्टर फिर से आएगा, अभी थोड़ी सी आग और जला लेते क्योंकि इसको लग रही है ठंड। तो मम्मी जला रहे हैं आग, तो मम्मी जब तक आग जलाते हैं तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तब तक धूप भी निकल जाएगी, हल्की हल्की तो निकल गई है। जब धूप निकल जाएगी तो इसको थोड़ी देर धूप में बिठाएंगे, क्या पता तब तक डॉक्टर भी आ जाए। देखते हैं कि खरगोश क्या खाते हैं, तो खिलाते हैं फिर इसको। ये तो मेरा खरगोश है, इसको तो रात में मैंने दवाई लगाई थी। हाँ, मैंने लगाई थी। ये तो मेरा खरगोश है, मैंने इसको आग के आगे सेका था। हाँ, तेरा कैसे हुआ? ये तो मेरा हुआ, मैंने ध्यान रखा इसका। तो हाँ, मेरा तेरा खरगोश है। हाँ, ठीक है। पर इसका ध्यान रखना, ठीक है, फिर होएगा तेरा खरगोश। वो खरगोश मेरा है, ठीक है, वो मेरा। तेरा नहीं है, मेरा भाई लेके आया था, मैंने उसके दवाई लगाई थी, समझा? मेरा खरगोश है वो। इधर आ पहले तू, ओ इधर आ। ये मेरी माँ जी है, ये देखो मेरी माँ जी काम कर रहे हैं इधर। किसकी माँ है ये? किसकी माँ है? मेरी माँ है ना, तो तेरी है? नहीं, ये मेरी माँ है, मेरी माँ जी है। ये चप्पल मारू ये, और मैं ये मारू ये, देखिए देखिए मैं ये लाल मारू। ओए कार्टून, इधर आ, इधर आ। मैं भी छील रही हूँ काचर चटनी बनाने के लिए। इधर आ, इधर आ टिंडे, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर लाओ। अरे इतना प्यारा पत्ता, इधर आओ, मैं इसको हिला के दिखाती हूँ। इधर आओ, ऐसे हिलता है ये, देखना ना, ये देखो हिल रहा है ना। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ये उड़ता है। पहले ये बताओ पापा अच्छे हैं क्या? नहीं है, अच्छे पापा। तेरी मम्मी ने क्या बोला था, गंदे हैं? हाँ। कौन बोलता है गंदे हैं? हम्म, तेरी मम्मी बोलती है क्या? मम्मा क्या मम्मा वो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। बोडी मम्मा, बोडी मम्मा, बोल रहा है तू बार बार। अच्छा, तेरे पापा लाए थे खरगोश इतना प्यारा? हाँ। अच्छे है ना पापा? हाँ। चिज्जी कौन ला के देता है तेरे को? पापा। हाँ, पापा ला के देते है। ये इतने प्यारे चप्पल कौन लेके आया? पापा। हाँ, और गंदा कौन है? हैं, मारती है क्या तेरे को? हाँ। अच्छा, हाँ, ये भी आप ही बोलने लग रहे हैं। इधर आ। अच्छे पापा। हाँ, चिज्जी लाते हैं क्या तेरे लिए? हाँ। मेरे लिए भी लाते हैं? हाँ। अच्छे है ना? हाँ, अच्छे पापा बाहर गए, आएंगे थोड़ी देर में। खरगोश ध्यान रखना, बिल्ली खा जाएगी उसको, ठीक है?
हाँ, उसको चोट लग गई थी इसलिए लेके आए थे पापा। अभी बज चुके दोपहर के एक और मैंने अपना साफ सफाई का सारा काम कर लिया था। उसके बाद कपड़े सुखाए बाहर, और जो मम्मी लहसुन छील रहे थे, काचर छील रहे थे, उसकी बना दी मैंने टेस्टी सी चटनी। ये देखो, किसी को खानी है तो आ सकता है। और खरगोश को भी इंजेक्शन लगवा दिए थे भाई ने, तीन तीन। अभी वो आराम से धूप में सो रहा है, बट मम्मी ने उसके ऊपर कट्टा लगा दिया छाया करने के लिए, तेज़ धूप है ना इसीलिए इसके अंदर दिखेगा नहीं। और बिल्ली लगा रही है इधर चक्कर, इसके ऊपर जाली वाला ये इसलिए लगाया है ताकि बिल्ली के बच्चे इसको खा ना जाए। घूम रहे हैं तीनों इधर, अभी पता नहीं कहाँ चले गए, उनको आ रही है खुशबू इसकी। ये देखो अभी है ना रैबिट आराम से सो रहा है, इसने तो अपनी जगह भी बदल ली है। पहले मैंने ना सोचा इसको भूख लगी होगी, बेचारे को पेट बिल्कुल खाली है, तो कुछ गाजर के पत्ते रखे थे, गाजर तो लगी नहीं है तो पत्ते ही रख दी इसके पास, खाएगा क्या, बट नहीं खा रखे। इसको ठंड लग रही होगी, अब बाहर धूप हो गई है कम, शाम हो चुकी है तो मैंने इसको अंदर सुला दिया था। शाम हो चुकी है, धूप हो चुकी है गायब, और जो बाहर कपड़े सूख रहे थे वो अंदर रख दिए। अब ये चेयर वगैरह भी अंदर रख देती हूँ, फिर चलती हूँ मम्मी की साइड। मम्मी उधर लगे हुए काम, इधर तो मम्मी सफाई करने लगे हुए हैं। जब देखो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ये खा रही है चारा, देख लो कैसे खा रही है, नखरे कर कर के देखना। ये इसमें दलिया ढूंढ ढूंढ के खा रही है, तूरी तूरी छोड़ देती है, दलिया दलिया खा जाती है, बड़ी शातिर भैंस है ये। मैं आ गई थी वापस क्योंकि मम्मी ने मुझे दिया काम कि शाम की चाय बनानी है, तो मैं वो बना लेती हूँ और उसके बाद जलाऊंगी आग, पानी गर्म करना नहाने के लिए, तो जल्दी से बना देती हूँ मैं चाय। क्या बनी हुई है सरिका? चमगादड़। लग भी चमगादड़ जैसी रही है। चल उड़ के दिखाओ, चलो एक ये रही चमगादड़, दो चमगादड़। ये कैसे चमगादड़ है? एक चमगादड़ ये आ गया, तेरे पंख कहाँ है रे? एक चमगादड़ ये बैठ गया, थक गया भागते उड़ते उड़ते ना, बस हो गया। अब मैं मेरा काम कर लेती हूँ, उड़ते रहो तुम, ठीक है? मेरा पानी गर्म हो गया होगा। अभी ये तीनों चमगादड़ इधर आ गए, इनको देखना है खरगोश। तू थोड़ा उधर हो जा, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा। ये देखो ये रहा, ये सोया हुआ है क्या? हाँ नींद आ रखी है इसको। अरे तो अच्छा सा, ये तो सच्ची में है। ओ धीरे, कितना जोर से बोलता है टिंडे तू, धीरे बोलो। ये उठ रहा है, ये देखो पापा। हाँ हाँ, इसको ठंडी लग रही है इसको। पापा ये लाए। हाँ वापिस ढक दिए, इसको सोने दो, फिर बाद में इसके दवाई लगाएंगे, ठीक है? जब अब तुम भी खाना खा लो, क्या हमको दवाई लगाते हुए दिखाना? ठीक है दिखाऊंगी। हाँ धुआं निकलने के लिए, चलो चलो चलो, धुआं निकलने के लिए वो ऊपर वाला चमगादड़ अभी उड़ के जा रहा है खाना खाने। उड़ के दिखाओ, ऐसे उड़ के खाना खाने तो जा। ए, 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 वो भाग गए चमगादड़। ये एक चमगादड़ लंगड़ा हो गया। जा खाना खा ले टिंडे, जा खाना खा ले। ये कौन सा चमगादड़ है टिंडे? कौन सा चमगादड़ है ये? ये कैसा चमगादड़ है? ये तो कूद रहा है मेंढक की तरह। अभी रात के 8:30 बज चुके और ये तीनों फिर से आ गए खरगोश देखने, है ना? देख लिया खरगोश? हाँ। दवाई किसने लगाई खरगोश के? अपने। हैं? अपने। किसका खरगोश है वो टिंडे? मेरा।
मेरा नहीं, वो मेरा है, दवाई तो मैं लगाती हूँ उसके। जो दवाई लगाता है वो उसका होता है। मैं नहीं, तेरे से नहीं लगती, उसके दर्द होता है, तू बच्चा है अभी। हाँ, उसको कौन रखता था? उसको क्या, उसकी मम्मी, उसकी मम्मी भी खरगोशी होती थी क्या? हाँ होती थी क्या, अभी भी होगी, खेतों में होगी। उसकी मम्मी कहाँ पे चली गई? उसकी मम्मी तो वहीं पे ही होगी, इसको चोट लग गई तो इसको ले आए, जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको वापस छोड़ आएंगे उधर। उसकी मम्मी के पास। हाँ सही है ना। हाँ तो अभी मेरे को गुड नाइट बोलो और फिर सो जाना। हाँ पिंजरा ले आएंगे, कोई बात नहीं, हम उसको पाल लेंगे। तुम्हें खेलना है क्या उसके साथ? ठीक है फिर ले आएंगे। ठीक है ठीक। उसके पसंदीदा गाजर लेंगे फिर भागेंगे, वो हमारे पीछे भागता है। हाँ ऐसे ही भागता है वो, है ना। ठीक है वो ठीक हो जाएगा फिर खेलेंगे। मुझे वो दिखो आपका छल्ला। हाँ मेरी बात सुनो अब, अभी मेरे को छल्ला, ओ छल्ला आपकी छल्ला और बहुत ही चरी बुड्ढे है। हाँ हाँ पहले मेरी बात सुनो, पहले गुड नाइट बोलो सारे मेरे को और फिर सो जाओ जाके। गुड नाइट। हाँ कैसे कूदता है बताओ, ये देखो ऐसे कूदता है खरगोश। तू भी कूदेगा? अरे 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 ठीक है बस हो गया, बहुत हो गया। उसके होट होते होंगे वो, है ना? हाँ, है ना टिंडे लिपस्टिक लगती है। एक खरगोश हो रहा, कितने खरगोश हो रखे हैं इधर, तीन तीन खरगोश। ओए मेरी बात सुनो, मेरे को गुड नाइट बोलो और अभी ठंड हो रखी है, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना। ठीक है गुड। अरे क्या दे दिया माँ ने तेरे को टिंडे? पतासे। ठीक है तू खा ले और सो जाना। हाँ तेरे को तो सारी चीजें मीठी ही होती है तो मीठी ही लगेंगे। ठीक है ठीक है जाओ। ओए जाने दो इस खरगोश को, पानी पीने जाना है। अरे चलो चलो चलो, तीनों खरगोश तीनों खरगोश पकड़ी। खरगोश खरगोश भाग गए, ऐसे कौन सा खरगोश चलता है रे, लंगड़ा हो गया खरगोश। अभी बज चुके हैं रात के 11 और सारा काम मेरा हो गया है, अभी मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कल भी लगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Talking to me with your eyes, I get a hint of the perfume that I like. Wear it like a disguise.